2-3 दिसंबर की उस काली रात ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौत का ऐसा तांडव खेला कि सुबह सूर्य की पहली किरण देखने के लिए उंगली में गिनने लायक ही लोग बचे थे। हर तरफ था मौत का मंजर। आधी रात को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कंपनी के कारखाने से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव ने पलक झपकते ही हजारों की जिंदगियां ली ली। दुनिया की सबसे बड़ी गैस त्रासदी भोपाल गैस कांड को चूक कहें या जानबूझकर की गई लापरवाही, लेकिन एक बात आईने की तरह साफ थी कि जो लोग इस भीषण त्रासदी के लिए जिम्मेदार थे उन्हें पूरा संरक्षण मिला था, दुर्घटना के पहले भी और दुर्घटना के बाद भी। भोपाल को यह भीषण त्रासदी देने वाली कंपनी यूनियन कार्बाइड नाम से स्थापित थी और इस कंपनी के कर्ता धर्ता वॉरेन एंडरसन था। कंपनी और कंपनी के प्रमुख एंडरसन को लेकर सरकार की लापरवाही कहें या खुला संरक्षण देने की बात कहें, यह कदम कदम पर सामने आया है। त्रासदी के पहले भी और त्रासदी के बाद भी लगभग 15,000 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले इस हादसे का जिम्मेदार अकेला एंडरसन नहीं था, बल्कि कदम कदम पर इसका साथ देने वाली कांग्रेस भी थी। तत्कालीन मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने लगभग 15,000 से अधिक मौतों और 5.5 लाख सीधे तौर पर प्रभावित लोगों के गुनहगार को बचाने की हर संभव कोशिश की। भोपाल गैस त्रासदी के बाद 6 दिसंबर 1984 में वॉरेन एंडरसन भारत आया, लेकिन उसे सजा दिलाने की जगह कांग्रेसी सीएम अर्जुन सिंह और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आराम से अमेरिका भगाने में मदद की। भोपाल गैस कांड को त्रासदी नहीं बल्कि सामूहिक हत्याकांड ही कहा जाना सही है, जिसकी जिम्मेदार सीधे सीधे कांग्रेस है।